हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लेट्स डू इट टुगेदर विद आशीष। हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको एप्पल पे पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या शॉप कार्ड कैसे ऐड करें। ओके फ्रेंड्स, क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, आज का पूरा वीडियो एंड तक देखते रहिए। मेरे नेम है आशीष और आप देख रहे हैं लेट्स डू इट टुगेदर विद आशीष। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस टाइप से देख पा रहे होंगे मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ऐड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्टोर कार्ड्स टू एप्पल पे टू मेक सिक्योर परचेज इन शॉप्स इन एप्स ऑन द वेब। दोस्तों, इंडिया में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं एप्पल पे ऐप। ये ज़्यादातर अमेरिका, लंदन, आउट ऑफ इंडिया, फॉरेनर में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस सेफ एंड सिक्योर। जैसे इंडिया में पेटीएम चलता है, फ़ोनपे, यूपीआई, बाहर दोस्तों एप्पल पे चलता है। दोस्तों, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इंडिया में खैर एक्टिव नहीं है, ठीक है। आई होप जल्दी से आए इंडिया में, लोगों को पता चले इससे। एंड देख, लिखा है कार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लोकेशन, डिवाइस सेटिंग एंड डिवाइस यूज पैटर्न विल बी सेंड टू एप्पल एंड मे बी शेयर टुगेदर विथ अकाउंट इन्फॉर्मेशन विथ योर कार्ड इशूज और बैंक टू सेटअप एप्पल पे। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया, इसमें सारी चीज़ें आपकी कनेक्ट होती है। क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट करना है तो क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास अगर स्टोर कार्ड है तो स्टोर कार्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, स्टोर कार्ड ज़्यादातर ऐप फॉरेनर में यूज़ होता है, इंडिया में होता है काफ़ी लोग, जैसे काफ़ी मॉल्स वगैरह में यूज होता है। ओके, तो अब मैं दिखाता हूँ इसे कैसे ऐड करें। ओके, सबसे पहले दोस्तों आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग देख रहे होंगे, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अगर आप सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे दोस्तों नीचे देख रहे होंगे आईट्यून्स एंड ऐप स्टोर। ओके फ्रेंड, उसके नीचे देख रहे होंगे दोस्तों वॉलेट एंड एप्पल पे, तो एप्पल पे क्लिक करना है। ओके फ्रेंड, अगर दोस्तों ये फीचर अगर आपके फ़ोन में नहीं है अवेलेबल, तो एक बार अपना फ़ोन अपडेट कर लेना, शायद ये आपके फ़ोन में अवेलेबल हो जाए। ओके, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा पेमेंट कार्ड्स, ऐड कार्ड पे क्लिक करना है। अब दोस्तों क्या नीचे क्या लिखा है मैं बताता हूँ। पे विथ, एक बार बता दूँ क्या लिखा है। पे विथ टच आईडी एंड मेक परचेज इन शॉप एंड एप्स विदाउट स्वाइपिंग योर कार्ड और एंटरिंग योर कार्ड्स एंड डिलीवरी डिटेल। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट विदाउट स्वाइपिंग योर कार्ड। कहने का मतलब दोस्तों, आपको कार्ड यूज़ करने की जरूरत नहीं, अपने एप्पल पे से ही आप सारी चीज़ें पे कर सकते हो। ओके फ्रेंड, आप दिखाता हूँ क्या करना है। ऐड कार्ड पर क्लिक करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, ऐड कार्ड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मैंने बताया, ऐड क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और स्टोर कार्ड टू एप्पल पे टू मेक सिक्योर परचेज इन शॉप्स इन एप्स ऑन द वेब। कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स आपको। अब दोस्तों यहाँ पे करना है आपको कार्ड्स की फोटो लगानी है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कार्ड्स की फोटो लगा लेता हूँ। तो आप दोस्तों कार्ड नंबर डाल सकते, जैसे मुझे कार्ड नंबर डालना तो मैं कार्ड नंबर डाल देता हूँ अपना। ओके, या अदरवाइज यहाँ पर स्कैन भी कर सकते, जैसे मैंने दिखाया था नंबर डाल देता हूँ अपना। तो कार्ड नंबर डाल के नेक्स्ट कर देना आपको, जैसे ऊपर दिख रहे होंगे नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना आपको, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट डाल देना आपको, जो भी आपका एक्सपायरी डेट हो आपके कार्ड का, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें अपने कार्ड का एक्सपायरी डेट डालो, सिक्योरिटी कोड डालना जो कि CVV नंबर होता है, 3 डिजिट का, वो आपके कार्ड के पीछे होता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों में ही होता है, आपको डाल देना है यहाँ पे और नेक्स्ट कर देना है। अब देख रहे हो यार, इशू डज नॉट येट ऑफर सपोर्ट फॉर दिस कार्ड, आस्क इशू इफ ऑफर कार्ड दिस एप्पल पे। तो दोस्तों ये फीचर सब में अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने बताया मेरे कार्ड जिसे नहीं ले रहा है। तो इस टाइप से दोस्तों आप ट्राई करके देखें, अगर आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और ये दोस्तों इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो ये दोस्तों जैसे मैंने बताया फॉरन में ज़्यादा यूज़ होता है, इंडिया में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ये अवेलेबल भी नहीं है इंडिया में, तो ठीक है। तो ये एक बार आप यूज़ करना, अगर आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। ये बताना दोस्तों आप आज की वीडियो में, ये बताना था मुझे एप्पल पे कैसे यूज़ कर, दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल है और आपका कार्ड सिक्योर एंड सेफ है। ओके फ्रेंड, एंड आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कोई डाउट इंक्वायरी दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए टेक केयर फ्रेंड, स्टे होम, स्टे सेफ।